शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न ईश्वर कुशाई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एसएस इंफोटेक टीवी। अर्तुगरुल गाजी में जहां हर मर्द शहादत के लिए मेहनत करता है, वहां औरतें भी पीछे नहीं, वो भी शहादत पाने के लिए सर जोर कोशिश करती हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्तुगरुल गाजी में शहादत पाने वाली तीन बहादुर खवातीन। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरा चैनल एसएस इंफोटेक टीवी सब्सक्राइब करना होगा, और हो सके तो लाइक और शेयर भी लाजमी करना। नंबर 3, आयकस। दोस्तों, आयकस दलित अमीर की बेटी और तुर्गुत की बीवी थी। ये एक बहुत माहिर तीरंदाज भी थी। इसने हमेशा हक के लिए आवाज उठाई और कभी हार ना मानी और कई दुश्मनों का सफाया किया। हिज्जत के मौके पर जब मंगोलों ने कबीले पर हमला किया, आयकस ने लड़ते लड़ते जाम शहादत पाई और बुरी तरह जल गई। नंबर 2, गोकचे हतून। दोस्तों, गोकचे सुंगरतकीन, गुंदुगदू, अर्तुरुल और सलजान की छोटी बहन और दुंदार की बड़ी बहन थी। ये तुगतन की बीवी थी। जब दुदुर का कबीले के सरदार कोरकत की मौत हुई तो तुगतन सरदार बना और फिर गोकचे को अगवा कर लिया गया। गोकचे ने गोंचगुल हतून को भी मारा, पर आखिर नोयान का हतून शहीद हो गई। 1, असलीहान खातून। दोस्तों, असलीहान कफदार कबीले के सरदार कंदार की बेटी थी। ये उराल और अलियार की छोटी बहन थी। ये भी एक जंगजू खातून थी जिसने हमेशा अपनी तलवार हक के लिए बुलंद रखी। इसने कई दुश्मनों का सफाया किया। ये तुर्गुत की दूसरी बीवी थी। अलियार के मौत के बाद जब कबीले का सरदार तुर्गुत बना तो असलीहान सदतीन कोपक से बदला लेने गई और जामे शहादत पाई, और यूं एक बहादुर खवातीन अपने खाल के हकीके से जा मिली। मैं अपने अगले वीडियो में गिव अवे के अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो अगली वीडियो लाजमी देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।